वेलकम गाइस, तो एचसी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लेके लिया महिंद्रा थार का बेस मॉडल। मैं हूँ मोहित और मेरा ब्रदर पीयूष। तो आज हम बेस मॉडल लेके आए आपके लिए का, ये हार्ड टॉप है। तो पिछली वीडियो में हम सॉफ्ट टॉप लेके आए थे कन्वर्टेबल, तो ये हार्ड टॉप है। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट पे आते हैं तो ये इसका हेडलाइट कंसोल आप देख सकते हैं, वही हैलोजन मिलता है आपको। ये इसके इंडिकेटर्स, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी आपको, ये फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी और थार की बैजिंग जो बहुत सॉलिड है। ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सॉलिड है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है थार की। और फ्रंट में आपको इस तरह से मिलेंगी हेडलाइट्स और ये लेफ्ट हैंड इंडिकेटर। नीचे आपको यहाँ पे इसमें हैलोजन वो नहीं मिलेंगे आपको, बम्पर वो लाइट्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से है थार। और टायर साइज़ की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलेगा आपको इस वाले मॉडल में, और टायर साइज आपको मिलेगा 245/75R16". तो ये 16 इंच का आपको टायर साइज मिल जाएगा इसमें। इसमें आपको व्हील नहीं आएगा। और इस तरह से आए इसकी कुछ साइड प्रोफाइल, और आप यहाँ देख सकते हैं एमहॉक की बैजिंग, और यहाँ पे जो ORVM है यहाँ भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिलेगी। जो ये प्लास्टिक है ये वाला भी बहुत हार्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और देख सकते हैं इसके डोर हैंडल्स। अब चलते हैं पीछे और एक बार पीछे का लुक ले लेते हैं थार का। इस तरह से दिखती है पीछे से ये वाली थार। आपको यहाँ पे डिफॉगर मिल जाएंगे और इसका टायर, इसका ये हैंडल मिल जाएगा आपको बूट एक्सेस करने के लिए। और पीछे आपको इस तरह से डोर हैंडल मिल जाएगा, एक अंदर से आप बूट खोलने के लिए, डोर खोलने के लिए। और इसकी टेल लैम्प सेम रहेंगी। और पीछे से एक बार लुक देख सकते हैं आप, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। और ये इसका फ्यूल टैंक जो मैन्युअली आपको खोलना होगा। चलते हैं कार के इस साइड, तो आप इस साइड से देखिए कार को। यहाँ भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और अब चलते हैं कार के अंदर। डोर आपको सेम उस तरह ही मिलेगा, थार की बैजिंग, डोर हैंडल्स, थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे 1 लीटर बॉट स्पेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए। और ये इसके पैडल्स हैं, ये मैनुअल है। और बात करते हैं सीट्स की, तो सीट ये आपको, ये लेदर सीट्स हैं, लेदर पॉसिबली बहुत अच्छा कम्फर्ट है इस सीट्स का। और सीट्स के आपको यहाँ भी थार देखने को मिल जाएगा अगर आप देख पा रहे हो तो। और आप यहां देख सकते हैं इसकी टायर इंफॉर्मेशन। और ये सीट्स एडजस्ट करने के मैनुअली। और आप यहां देख सकते हैं की रिंग में भी यहां पे आपको लाइट मिलेगी। और चलते हैं कार के अंदर। तो अब हम आ गए हैं कार के अंदर। एक्चुअली आपको यहां पे लाइट कम होगी क्योंकि ये कन्वर्टेबल नहीं है, ये हार्ड टॉप वाली है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से है ये प्लास्टिक, क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है थार की। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक LED टेल लैंप। तो ये बेस मॉडल, इसमें आपको मिडल में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है बेस मॉडल, तो इसमें आपको यहाँ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी थार की बैजिंग आ जाएगी, यहाँ पे आपको अफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा या आप एजेंसी से भी लगवा सकते हैं। तो ये है इसके एसी कंसोल, जो हमने ऑटोमेटिक वाला वर्जन किया था उसके एसी कंसोल्स क्रोम थे। सो यहाँ पे ये सिंपल है ब्लैक पियानो के साथ, सेम इसका एसी कंसोल मैन्युअली। कार्बन फाइबर फिनिश इसमें भी मिल जाएगी आपको। और ये इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये आपकी 4x4 फोर व्हील ड्राइव के लिए। और सेम जो ये वाला हैंडल, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक है, सॉलिड प्लास्टिक है ये इसका। आप देख सकते हैं ग्लोव बॉक्स बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक वहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। एक्चुअली आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये अंधेरा है यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप जो विजिबल हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। और ये स्टार्ट कर लेते हैं कार को। तो इस तरह से इसका कुछ मीटर आप देखिए, टैकोमीटर इधर और स्पीडोमीटर आपको इधर मिल जाएगा, बीच में छोटी सी MID है। तो और ये इसके कंट्रोल्स हैं, ये लाइट सेट्स करने के लिए कंट्रोल्स हैं, MID के लिए, ये MID के लिए हैं। आपको इसमें ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि ये बेस मॉडल है।
और बात मीटर आपको पर दोनों में सेम मिलेगा, पर बेस और टॉप में मीटर आपको सेम मिलेगा, मीटर आपको सेम मिलेगा, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और बात करते हैं इसकी, ये देखते हैं आप पीछे कैसी लगती है ये। तो पीछे से इस तरह सा लुक आता है, और जो पीछे वाली कंफर्ट सीट्स हैं, ये वाली सीट्स का जो कंफर्ट है बहुत ज़्यादा प्यारा है, सीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये है इस तरह से स्पेस, पीछे वाली आप देख सकते हैं और ऊपर से इस तरह से दिखती है। तो आपको पीछे बैठ के दिखाएगा, बैठ जाओगे? डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है थार में बैठना, तो हमें ना ये चीज़ सही नहीं लगी। पीयूष की हाइट 5.11 है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए बैठना। स्पेस की मतलब स्पेस की कमी नहीं है, बट पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है थार में। और बात कर लेते हैं इस वाले सेंटर कंसोल की, तो ये हैंड ब्रेक पावर विंडो के कंसोल मिल जाएंगे सेम, और ये बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये अगर ये सीट थोड़ी और आ गया थी तो हम इजीली जा सकते थे, पर ये मैक्स इतनी जा रही है और ये भी हम पूरा फोल्ड कर लो फिर भी जा नहीं सकते। तो बात करते हैं इंजन के बारे में, तो बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, भागे कार से बाहर तो चलते हैं इंजन की तरफ। तो ये है इसका 2.2 लीटर का डीजल इंजन, पावर निकाल के देगा 150 PS की। तो पहले वाली थार से काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल पावर निकाल के दे रहा है ये वाला इंजन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजन है। और माइलेज की बात करूँ तो ये हमें माइलेज निकाल के देगा ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर की। देख सकते हैं इस तरह से इसका इंजन, जो आप इंजन की इसमें सारी प्लेसमेंट्स देखेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर की हुई है, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया प्रॉपर की हुई है आप देख सकते हैं। तो बंद कर दो। तो इस थार में आपको मैंने एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो ये वाली थार है कन्वर्टेबल, इसका ये इसका ओवर भी इस तरह लगता है पीछे से, और आप हैंडल देखा हो उसका, पीयूष आपको कह रहा हूँ मैं, आप हैंडल दिखाना। ये हैंडल आपको सिंपल बेसिक वाला मिलेगा यहाँ पे, और जो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें ग्लास ये मिलता है टॉप नॉच क्वालिटी के साथ। क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की है महिंद्रा ने इस बार, महिंद्रा इस बार सबके आंखें खोल के रख दी, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यूज़ करी गई है। 4x4 की आपको बैजिंग मिल जाएगी, और पीछे से ये वाली थार इस तरह लगेगी। सबसे ज़्यादा यही थार बिकने वाली है, हम रेकमेंड करेंगे कि आप ये वाली थार लें, क्योंकि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं व्हील टायर्स। 18 इंचेस के व्हील डाल दें तो ये टॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रेस आएगी, सिस्टम लगवा लें तो आपको और अच्छी सिस्टम लग गया, लॉयड लग गया, लाइट इसमें टॉप मॉडल वाली है। तो हम रेकमेंड करेंगे आप ये वाली थार लें, क्योंकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं आपके सामने एक वो थार खड़ी है, ये टॉप मॉडल खड़ी है आपके सामने, और ये बेस खड़ी है, ये बेस मॉडल है, चॉइस आपकी है। अगर आप हम वही वाले भी लिस्ट में डाल दें तो ये टॉप मॉडल ही लगेगी बाहर से, मेन इसमें सिस्टम, अगर सिस्टम लग जाए फिर भी की अंदर दे दिया, सिस्टम लग जाए फिर बस सिस्टम और टायर की कमी है इसमें व्हील की, और ये टॉप मॉडल लग जाएगी। तो चॉइस आपकी है, आप कौन सी लेना पसंद करेंगे। तो गुड बाय। तो ये थी थार का बेस मॉडल डीजल इंजन में, आपको बेस मॉडल में थार में जाने के लिए इस तरह का फुटपैड मिलेगा, और जो आप टॉप मॉडल लेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा। तो ये थी थार बेस मॉडल, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे न्यू है, लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।